Welcome students. In this video, we will discuss the Guilford theory of intellect model. Guilford developed a model of intellect on the basis of the factor analysis of several tests employed for testing intelligence of human beings. The interaction of three parameters resulting in 150 different elements or factors in one's intelligence. जेपी गिलफर्ड और उसके सहयोगियों ने बुद्धि परीक्षण से संबंधित कई परीक्षणों पर कारक विश्लेषण तकनीक का प्रयोग किया एवं इन कारकों को प्रकाश में लाने वाला प्रतिमान यानी मॉडल ऑफ इंटेलेक्ट का विकास किया और इस मॉडल ऑफ इंटेलेक्ट में ऑल टोटल देयर वर 150 डिफरेंट फैक्टर्स दैट इज 150 तरीके के कारक निहित थे. The structure of intellect model organized these various abilities along three dimensions: content, product and process. और ये जो structure of model बनाया गया जिसमें 150 different elements थे इनके तीन dimensions थे जिनके आधार पर इनको बनाया गया. पहला content यानी कि विषय वस्तु, दूसरा product यानी कि उत्पाद और तीसरा प्रोसेस यानी कि प्रक्रिया. और इनका मानना था इंटेलिजेंस डिपेंड्स ऑन मेंटल ऑपरेशंस दैट इज प्रोसेस ऑफ थिंकिंग. मेंटल ऑपरेशंस को हम कहते हैं संक्रियता, मानसिक संक्रियता. कंटेंट यानी कि विषय वस्तु या सूचना सामग्री, व्हाट वी थिंक अबाउट इट, क्या हम उसके बारे में सोच रखते हैं. एंड द प्रोडक्ट इज द उत्पाद यानी कि रिजल्ट ऑफ आवर थिंकिंग, हमारी सोच का परिणाम. सो दीज वर द थ्री फैक्टर्स और थ्री पैरामीटर्स ऑन विच इंटेलिजेंस वॉज डिपेंडिंग. नाउ वी विल डिस्कस वन ऑफ द फैक्टर्स इन डिटेल. बाय कंटेंट ही मीन दैट डिफरेंट पीपल सीम टू पे मोर अटेंशन टू एंड थिंक मोर इफेक्टिवली अबाउट डिफरेंट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन. And as total, there are five kinds of contents. यानी कि सूचना सामग्री. इनका मानना था कि different people they have their own perception about different things, different elements. और वो जिस प्रकार उसको देखते हैं, सुनते हैं या समझते हैं, उसी प्रकार उनकी वो सोच उसके लिए बनती है. So there are five kinds of contents. The one is the visual. यानी कि हिंदी में से हम कहेंगे दृश्यात्मक, जिसके अंतर्गत आता है इंफॉर्मेशन परसीव थ्रू सीइंग, जो भी चीज हम देख कर कुछ अनुभव करते हैं या सीखते हैं, दिखाई देने वाली वस्तु. द सेकेंड इज ऑडिटरी यानी कि श्रवणात्मक, जो चीजें हम सुनकर समझते हैं या सीखते हैं. द थर्ड इज सिंबलिक कंटेंट यानी कि संकेतात्मक. आर्बिट्री साइंस सच एज नंबर्स, कोड्स आर द एग्जाम्पल ऑफ सिंबलिक कंटेंट. संख्या, अक्षर, प्रतीक, ये इस तरह के इसके कुछ उदाहरण हैं. द नेक्स्ट इज द सिमेंटिक कंटेंट, भाषागत जो वस्तु है जैसे वर्ड मीनिंग, शब्द, विचार, शब्दों के अर्थ तथा विचार के रूप में इसको किसी चीज को ग्रहण करना. द फिफ्थ वन इज द बिहेवियरल कंटेंट यानी व्यवहारगत विषय वस्तु, जैसे फॉर एग्जाम्पल नॉन वर्बल इंफॉर्मेशन इन्वॉल्व्ड इन ह्यूमन इंटरेक्शन सच एज इमोशंस. इसके अंतर्गत जैसे कि वो सारी चीजें आती हैं जो कि कहीं ना कहीं हमारे व्यवहार के थ्रू हम रिएक्शंस करते हैं, इंटरैक्ट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल इमोशन, संवेगात्मक. The operations dimensions describes what the brain does with and to these type of informations. There are five kind of operations. जो संक्रियाएं हैं वह पांच खंड में विभाजित है एंड वो डिस्क्राइब करती हैं कि हमारा ब्रेन कैसे काम करता है और किस प्रकार से इंफॉर्मेशन को लेता है. नंबर वन कॉग्निशन, जिसका अर्थ है संज्ञान, नोइंग, डिस्कवरिंग, बीइंग अवेयर, किसी चीज को जानना, किसी के बारे में
उसको उसको खोज संबंधी प्रक्रियाएं करना, किसी चीज को पहचानना. द सेकेंड वन इज मेमोरी, स्मृति, रिट्रीविंग इंफॉर्मेशन, जो भी चीज हमने ग्रहण की है उसे याद रखना. डाइवर्जेंट थिंकिंग, इसे हम कहते हैं बहुविधि उत्पादन, जो भी चीज हम सोच रहे हैं, हमारी जो सोचने की प्रक्रिया है उसको हम कितने बहुविधि रूप में जिसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं, इसे हम कहते हैं डाइवर्जेंट थिंकिंग, दैट इज जनरेटिंग मल्टीपल रिस्पॉन्सेस और डिसीजंस. कन्वर्जेंट थिंकिंग, एक विधि सोच, दिस मीन्स रिड्यूसिंग इंफॉर्मेशन टू वन सिंगल एक्सेप्टेड सोल्यूशन. अपनी सोच को कहीं एक सीमित रखना किसी एक सोल्यूशन के प्रति. द लास्ट वन इज इवैल्यूएशन, जजिंग द एप्रोप्रिएटनेस ऑफ इंफॉर्मेशन. मूल्यांकन, चिंतन मनन के की जाने वाली विषय वस्तु के बारे में निर्णय लेना, उसके बारे में एक जजमेंट पास करना, क्या ये अच्छी है या बुरी है, लाभदायक है या नहीं है इत्यादि. द थर्ड डायमेंशन इज प्रोडक्ट, विच रिलेट्स टू द काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन वी प्रोसेस फ्रॉम द कंटेंट टाइप्स. देर आर सिक्स काइंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स, उत्पाद, जिनके की छह प्रकार के उत्पाद हैं. एंड ये कहीं ना कहीं हम कितने प्रकार के इंफॉर्मेशन को कैसे ले रहे हैं एंड वॉट प्रोसेस वी आर फॉलोइंग ड्यूरिंग दिस कंटेंट टाइप, ये उसकी चर्चा करते हैं. नंबर वन इज यूनिट, विच रेफर्स टू द एबिलिटी टू परसीव यूनिट्स इन अ कंटेंट एरिया. दिस माइट बी अ सिंबलिक यूनिट सच एज वर्ड्स, विजुअल यूनिट सच एज शेप्स और बिहेवियरल यूनिट सच एज फेशियल एक्सप्रेशंस. यूनिट मतलब इकाइयां, छोटी छोटी इकाइयों में विषय वस्तुओं को समझना. हो सकता है जैसे फॉर एग्जाम्पल एक संख्या, अक्षर या शब्द, या कभी कभी व्यवहारात्मक इकाई जो कि हम किसी के फेशियल एक्सप्रेशन के द्वारा समझते हैं. द सेकेंड वन इज क्लासेस, वर्ग या श्रेणी. इट रेफर्स टू द एबिलिटी टू ऑर्गेनाइज यूनिट्स इनटू मीनिंगफुल ग्रुप्स एंड टू सॉर्ट आउट यूनिट्स इनटू द राइट ग्रुप्स. किसी समान विशेषता के आधार पर संप्रत्यय के रूप में विकसित इकाइयों का समूह, जैसे फॉर एग्जाम्पल पुरुष एवं स्त्री, एंड दे मेक जनसमूह, और उनसे क्या होता है, एक जनसमूह बनता है, दैट इज द क्लास, क्लास ऑफ पीपल, मेकिंग अ मीनिंगफुल ग्रुप और अ राइट ग्रुप फ्रॉम दैट पर्टिकुलर यूनिट. द थर्ड वन इज रिलेशंस, दैट मीन्स संबंध. Relations pertains to the ability to sense the relationship between pairs of units. संप्रत्ययों को जोड़ने वाला संपर्क सूत्र, कई इकाइयों को जोड़ने वाला संपर्क सूत्र. The next is the system, मतलब प्रणाली. It consists of the relationship among more than one units. संबंधों का संगठित अथवा वर्गीकृत रूप जो कहीं ना कहीं एक से ज्यादा इकाइयों को जोड़ता है. नेक्स्ट इज ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि रूपांतरण. इट इज द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड चेंजेस इन इंफॉर्मेशन सच एज रोटेशन ऑफ विजुअल फिगर्स और जोक्स इन द सिमेंटिक एरिया. रूपांतरण का अर्थ होता है कि अपनी बुद्धि का प्रयोग करना, जो भी इंफॉर्मेशन हम ग्रहण कर रहे हैं उसको समझना. थ्रू चेंजेस इन इंफॉर्मेशन, हो सकता है हमें विजुअल दिखाया जाए और उसके बारे में हम कुछ लिखें या बोलें, तो उस चीज को हम कैसे समझ रहे हैं और उस चीज को हम कैसे ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, किसी भी विषय सामग्री के स्वरूप में परिवर्तन लाना, इसे हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन या रूपांतरण. द लास्ट वन इज द इम्प्लीकेशन, विच रिफर्स टू एक्सपेक्टेशन. इम्प्लीकेशन का अर्थ होता है अनुप्रयोग. गिवन अ सर्टन सेट ऑफ इंफॉर्मेशन, वन माइट एक्सपेक्ट सर्टन अदर इंफॉर्मेशन टू बी ट्रू. कोई एक इंफॉर्मेशन के थ्रू किसी अन्य इंफॉर्मेशन को जानना या उसका निष्कर्ष निकालना, उसको प्रयोग में लाना, इसे हम कहते हैं इम्प्लीकेशन.
This diagrammatic representation will give you a more clear picture about Guilford intellect model. Here you can see a cubical presentation of the 150 factors which have content, product and operations. All these three are interrelated and dependent on each other. The contents have the 5 factors, the product have the 6 factors, and the operations have the 5 factors. And these in totality makes up 150 different combination of factors and different skills which affects the intelligence. ये तीनों जो dimensions है, ये तीनों dimensions में कुल मिलाकर 150 कारक हैं, जो कि कहीं ना कहीं mental ability को एक दूसरे से अलग करते हैं और व्यक्ति के जो बुद्धि है उसको अलग करते हैं. थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग.